आज हम हल करेंगे कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न। इसका तीसरा प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, इसको हम हल करेंगे। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है, अर्थात उसकी दो भुजाएं ये और ये बराबर है। आधार दिया है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा भुजा भी x सेंटीमीटर की होगी। तो दूसरी भुजा भी x सेंटीमीटर की होगी। क्यों होगी? क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। हमने ये भुजा मान ली x सेंटीमीटर की है, तो ये भुजा भी x सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब दिया क्या है? त्रिभुज का परिमाप। तो दिया है त्रिभुज का की परिमाप। त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीनों की लंबाई का योग, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग यानी AB धन BC धन AC बराबर दिया है इसमें 4/2/15 सेंटीमीटर, 4/2/15 सेंटीमीटर। तो भुजाओं की लंबाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे x धन 4/3 धन x बराबर 4/2/15। अब x प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4/3 बराबर, इसका हम विषमबंध बना लेंगे, तो 15 × 4 = 60 और 2 = 62, 62/15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गया, तो हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? ये 4/2 को हम दोनों तरफ से 4/3 को दोनों तरफ से हम घटा देंगे। 4/3 को दोनों ओर से घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2x 4/3 × 4/3 बराबर 62/15 × 4/3।
तो इधर जे 4/3 में से 4/3 घट जाएंगे तो लगता बचा 2x बचा। यहाँ पर हम एलसीएम लेकर इसको घटा देंगे तो इसका एलसीएम आएगा 15 और 62, 15 एकम 15 और 62 एकम 62, ऋण 15 5 15 5 20, तो ये हो गया 42/15। 2x बराबर। अब हमें 2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों और 1/2 का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 2x/1/2 = 42/15/1/2। अब हमारे पास क्या बचा, x = 21/15, ये दोनों भुजाओं की लंबाई हो जाएगी। त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप 21/15 cm होगी। ये हमारा